हाय गाइस, आज हम बात करेंगे लूडो इस लैंड एप्लीकेशन से पैसे विड्रॉ किस तरीके से किया जाता है। आज हम 5000 से थोड़ा ज्यादा रुपया यहां पर लाइव विड्रॉ करके आपको सारा कुछ दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे यहां से विड्रॉ किया जाता है। कुछ फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रहा था कि लूडो इस लैंड एप्लीकेशन से पैसे को विड्रॉ किस तरीके से किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाइए। तो आज ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में कंप्लीट हम आज आपको सारा कुछ बताएंगे। एक रिस्क भी होता है विड्रॉ करने वक्त और एक प्रॉब्लम भी होता है, वो दोनों चीज आगे इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे वो रिस्क क्या है एंड वो प्रॉब्लम क्या है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा अगर आप इस एप्लीकेशन से विड्रॉ करना चाहते हैं तो चलिए लाइव आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन में ले चल के। तो दोस्तों लूडो इस लैंड एप्लीकेशन को हमने ओपन कर चुका हूं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहां पर सबसे पहले मैं अपना पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूं, हालांकि कम पैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा अभी। ये देखिए 977 रुपया, क्योंकि मैंने यहां से 5100 रुपया विड्रॉल कर चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको जानना है कि विड्रॉ किस तरीके से किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहां देखिए नीचे की तरफ विड्रॉ का बटन है जिसके ऊपर में सिंपली हमें यहां पर क्लिक करना है। जब भी हम यहां पर क्लिक करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आएगा एंड यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक ही ऑप्शन दिया गया है टीपीसी। आपके पास हो सकता है यहां पर और भी ऑप्शन हो, लेकिन आप टीपीसी पे क्लिक करके आप विड्रॉल लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर दो ऑप्शन दिया गया है विड्रॉल इन्फॉर्मेशन एंड विड्रॉल रिकॉर्ड। तो विड्रॉल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है जस्ट। ठीक है, जब भी क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक पेज आएगा जहां पर लिखा हुआ होगा आपका फुल बैंक डिटेल्स यहां पर डालना है। तो क्या क्या यहां पर डालना है, यहां पर आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आपका पासबुक में जो नाम होगा वो सही से डालना है, और बैंक आईएफएससी कोड, ईमेल एड्रेस कोई भी एक डाल देना है, एड्रेस डालना है एंड मोबाइल नंबर। आप सबसे पहले बात जो है हमने बताया था कि क्या प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पर सबसे नंबर वन एक प्रॉब्लम जो है वो काफी सारे लोग करता है, वो प्रॉब्लम क्या है, ब्रो प्रॉब्लम यहाँ पर है और यहाँ पर है। देखिए ऊपर में जब नाम आता है तो नाम पे यहाँ पर गलती करता है जिसकी वजह से विड्रॉ नहीं हो पाता है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर की जगह यहाँ पर आपको देखिए अगर मिस्टर लिखा हुआ है, मिस्टर या फिर मिसेस, उसके बाद फुल स्टॉप होगा तो फुल स्टॉप को आपको मत देना है। ठीक है, फुल स्टॉप मत दीजिएगा, फुल स्टॉप देते हो तो ये सक्सेसफुली सेव्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती करता है, वो गलती नहीं करना है। एंड पासबुक में जिस तरीके से है सेम टू सेम आपको बैठाना है, बड़ा अक्षर है तो बड़ा अक्षर डालिए, छोटा अक्षर है तो छोटा अक्षर में आपको डालना होगा। यहाँ पर एड्रेस में गलती करता है, एड्रेस वो फुल दे देता है एंड अपने हिसाब से एड्रेस दे देता है। चलिए भाई, पासबुक में जो लिखा है वो तो देखता ही नहीं है, अपना जो आता है वो ही दे देता है। ठीक है, तो इसे नहीं करना है, आपका पासबुक में लिखा हुआ होगा वहां पर बड़ा अक्षर है या फिर छोटा अक्षर है, जैसे है वैसे ही आपको देना है। अगर गलत एड्रेस है तो गलत ही एड्रेस देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ गाँव का नाम देने से ही हो जाता है, राइट। गाँव का नाम आपका पासबुक में होगा तो उसको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, अदर्स वाइज कोई गलती तो होता नहीं है। ठीक है, यही दोनों में गलती होता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है, यही प्रॉब्लम करता है जिसकी वजह से विड्रॉ नहीं हो पाता है। अब सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, इसको हटा देते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको KYC पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर KYC पर जब भी क्लिक करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हालांकि यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर दिया नहीं गया है, देख सकते हैं आपके पास पैन कार्ड अगर आता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर इस पेज में आ गया हो, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चारों हैं, तो ये आपको देने से भी होगा नहीं देने से भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपना पैन कार्ड नंबर एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पैन कार्ड का फोटो अटैच करना पड़ेगा। ये दोनों अगर देता है तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि इस तरीके के एप्लीकेशन में कोई भी अपना डिटेल्स जो है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारा कुछ आप नहीं देने से ही अच्छा होगा। ठीक है, शेयर मत कीजिए कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन में आपको इस तरीके का जो आईडी है वो शेयर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप शेयर करते हो तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने इससे पहले एक वीडियो में आपको दिखाया था कि अपना पापा का पैन कार्ड दिया था, कि पापा का पैन कार्ड क्यों दिया था, वो वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि पैन कार्ड पापा का तो कोई बैंक में बैलेंस नहीं है और काम भी अभी उतना नहीं करता है, तो पैसा आने का चांसेस भी नहीं है, तो फ्रॉड वगैरह ना के बराबर है चांस। ठीक है, तो अगर आप पूरा अपना डिटेल्स दे देते हो तो आपको बैंक डिटेल्स हैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये पैन कार्ड मांगा जा रहा है तो हम यहाँ से यही कहेंगे इस तरह के एप्लीकेशन से ना ही यूज करना ठीक है, और यहाँ पर विड्रॉ भी नहीं करने से ही ठीक है। फिर भी अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसी तरीके से आपको
करना है, ठीक है। और पैन कार्ड नहीं मांगा जाता है तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। तो आपको सिर्फ बैंक डिटेल्स, जैसे बोला था बैंक डिटेल्स देना है, एंड यहाँ पर आके आपको अमाउंट लिखना है कितना आप विड्रॉल लगाना चाहते हैं। मान लीजिए हम 5,000 आपको बोले थे, तो 5,000 यहाँ पर लिख लेंगे, एंड यहाँ पर एक कमीशन कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देख सकते हैं यहाँ पर 150 रुपया कमीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है 500 रुपये से कम विड्रॉ नहीं लगा सकते हो, 50 से ज्यादा नहीं लगा सकते हो, एंड 3% का कमीशन काटा जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। ये सारा कुछ करना है, करने के बाद नीचे विड्रॉल जो बटन है इसको ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक जब भी क्लिक करते हो तो विड्रॉ सक्सेसफुली आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से 1 मिनट या फिर 5 मिनट के बाद विड्रॉ वाले बटन में आना है। आने के बाद यहाँ पर टीपीसी पे क्लिक करना है एंड विड्रॉल रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे विड्रॉल रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसी तरीके का पेज आएगा, एंड यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 5,000 रुपये सक्सेसफुली यहाँ पर विड्रॉल हो चुका है, 5,160 रुपया, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमीशन काटा गया होगा, इसी वजह से यहाँ पर 5,160 रुपया, हमने 5,100 से ज़्यादा रुपया यहाँ पर विड्रॉल लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कट होने के बाद मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, मैं निकाल भी लिया हूँ पैसे को। तो इस तरीके से आप विड्रॉल लगा सकते हैं, लेकिन अगर पैन कार्ड मांगा जा रहा है तो आपको हम यही कहेंगे कि पैन कार्ड वगैरह कुछ यहाँ पर मत दीजिएगा, विड्रॉल ना करना है मत कीजिए, लेकिन अपना इन्फॉर्मेशन मत दीजिए कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है। आशा करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो, इसी तरीके ट्रस्टेड वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।